हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईसी 14 रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर है IRDA फंक्शंस एंड इंश्योरेंस काउंसिल्स। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि स्मूथ एंड ऑर्डरली फंक्शन, स्मूथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 बनाया और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 बनाया, ठीक है, लागू किया। और इंश्योरेंस काउंसिल को फॉर्म किया गया अंडर द सेक्शन ऑफ 64 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 46C के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस काउंसिल्स को बनाया गया, ठीक है। और जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, वो नेशनल कहते एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वेरियस पावर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। तो इसकी पावर, इंस्टीट्यूशंस की हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में। और दिस चैप्टर विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द वेरियस फंक्शंस कैरियड आउट बाय दीज इंस्टीट्यूशन और दीज इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। लर्निंग आउटकम है, हमें तीन आउटकम है लर्निंग हमारे। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द IRDA, IRDAI को क्यों बनाया गया, एक्सप्लेन द ड्यूटीज, IRDA की ड्यूटीज, पावर्स एंड IRDA के फंक्शंस फर्स्ट आउटकम में पढ़ेंगे। और सेकंड आउटकम में अंडरस्टैंड करेंगे जो एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया के लिए। और थर्ड आउटकम में डिस्कस करेंगे जर्नल एंड लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स। दो काउंसिल्स हैं, जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल्स एंड लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स, वो थर्ड आउटकम में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है, कहते लुक डिफिसिट डिलेमा, लुक एट दिस सिनेरियो। यहाँ पे मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ ये IRDA की, बताया गया कि IRDA की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या फ़ायदा है IRDA का। कहते एक LIC, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, वो कंट्री का लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो उसने एक एवेल्यूएशन करवाई डिफिसिट की, एक्सपेंसेस की या कमी की, तो पाया गया कि 14 करोड़ का जो 3 प्लान थे LIC के, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे जीवन धारा, जीवन सुरक्षा, जीवन अक्षय, है ना। और ये प्लान्स आए थे 1980s and 1990s में, और ये अशोर्ड करते थे कि आपको ये अन्यूनिटी प्लान्स थे, ठीक है, अन्यूनिटी पॉलिसीज थी। तो ये अशोर्ड करवाते थे कि आपको रिटर्न मिलेगी अप टू 11-12%, ठीक है। बट जो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको लेस मिल रहा था, ठीक है, मच लेसर व्हाट इन्वेस्टर्स हैव बीन अर्निंग, उनको लेस हो रहा था। और लास्ट में ये बताया गया है कि एक जो सीनियर एक सीनियर थे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के IRDA के ऑफिशियल, उन्होंने कहा कि जब ये स्कीमें अप्रूव हुई, वुड नॉट हैव अप्रूव्ड दिस LIC स्कीम्स, ये अप्रूव्ड नहीं थी, ठीक है, और दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस और दिस इज़ नीडेड अ डेफिसिट, तो इसमें कमी होनी थी। और कहते दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और गुड प्रैक्टिस नहीं थी, वो वुड नॉट हैव क्लियर्ड सच प्रोडक्ट, और हमने कोई क्लियर भी नहीं किया था। इफ़ देर वर कम टू अस फॉर अप्रूवल, अगर हमारे पास आता, ठीक है, तो हमने वो क्लियर नहीं किया था। तो कहते कि जो IRDA ऑफिशियल ने कहा था, आस्किंग नॉट टू बी आइडेंटिफाई, IRDA केम इन टू बिगिन इन 1999, तो IRDA 1999 में आया, ठीक है। ये ना एक जो ये दी हुई है, ये लाइव मिंट डॉट कॉम एक सोर्स है, www.livemint, तो वहाँ से मिंट न्यूज़पेपर है, उससे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया है, कहते जो केस स्टडी है वो बताती है कि इम्पोर्टेंस कितनी है रेगुलेटर की, ठीक है, क्योंकि वो अप्रूव करवाता है, उसकी विजिबिलिटी देखता है, फिजिबिलिटी देखता है, प्रोडक्ट चल सकता है कि नहीं चल सकता वो देखता है, ठीक है, और बाद में वो लॉन्च होता है मार्केट में। कहते हैं दिस प्रोटेक्ट्स, और ये प्रोटेक्ट करवाता है राइट्स इंश्योरेंस कंपनी को, इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट करवाता है, जो इंटरेस्ट है उनके बेनिफिट्स हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी के भी बेनिफिट प्रोटेक्ट करवाता है, एज वेल एज पॉलिसी होल्डर को भी बेनिफिट पहुँचाता है। तो हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट आउटकम है अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग IRDA एंड एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। IRDA की ड्यूटीज़ पावर और फंक्शन इसमें आप फर्स्ट आउटकम में हम जानेंगे। तो पहले दिया है इंश्योरेंस, कहते हैं इंश्योरेंस एक प्रॉमिस है
जो कहता है जी कंपनसेशन पे करेगा जब कोई स्पेसिफिक लॉस होएगा, पोटेंशियल लॉस होएगा, उसको उसके लिए उसको पीरियोडिक पेमेंट देनी पड़ेगी, जिसके हमें प्रीमियम कहते हैं। कहते वो अलाउ करता है कि जो एंटाइटी है, एक एंटाइटी है ठीक है इंश्योर्ड है, वो अपना ट्रांसफ़र करता है रिस्क दूसरी एंटाइटी को, एक किसके बदले में उसको वो प्रीमियम देता है, इसके बदले में दूसरा उससे वो उसका रिस्क ले लेता है। तो कहते हैं इंश्योरेंस इज़ अ टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो इंश्योरेंस एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है जो प्रोटेक्ट करता है फाइनेंशियल वेल बींग ऑफ द इंश्योर्ड, जो फाइनेंशियल लॉसेज को, इंश्योर्ड के फाइनेंशियल लॉसेज को कवर करता है। कहते जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक पेमेंट के एक्सचेंज में इंश्योर्ड के जो रिस्क है उसको एग्री करती है कि हाँ जी अगर आपका स्पेसिफिक इवेंट रहेगा तो उसको रिवर्स करेगी जब आपका लॉस होएगा ठीक है उस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी पीरियड में। डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, तो सेम ही बताया गया है कि जो इंश्योरेंस है वो एग्रीमेंट है, एक पार्टी ठीक है इंश्योर्ड है जो उसको प्रीमियम पे करता है, स्टिपुलेटेड कंसिडरेशन पे करता है जिसे हमें प्रीमियम कहते हैं, और अदर पार्टी दूसरी पार्टी को, इंश्योरर को। तो जो इंश्योरर है उसको रिटर्न में एग्री करता है ठीक है कि हाँ जी आप इतनी मनी पे कर रहे हो तो हम आपको डिफाइंड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे जब भी आपका लॉस होएगा उस पॉलिसी टर्म में। तो कहते हैं जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो सेलिंग इंश्योरेंस वो सेल कर रहा है। एंड इंश्योर्ड इज ए पर्सन एंटिटी बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरर है वो पॉलिसी बेच रहा है, जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी खरीद रहा है। तो प्रीमियम कहते पेमेंट की जाती है इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को कि वो एग्री करता है हाँ जी आपका कोई भी क्लेम आएगा तो वो कंपनसेट करेगा ठीक है, जब कोई आपका इवेंट स्पेसिफिक इवेंट अकर्ड होएगा उस पॉलिसी टर्म में, ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो इंश्योरेंस के एक डायग्राम की दी है, इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो प्रीमियम पे करता है और ये रिमबर्स करती है लॉसेस को जब कोई स्पेसिफिक इवेंट है होता है। कहते ये एक डेलिकेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर ठीक है, बहुत नाजुक है कहते ये वाला। और दिस हैज़ मेड इंश्योरेंस ए हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, इसी की वजह से हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, कहते जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बनी थी जब एक्ट आया था IRDA एक्ट 1999, जब वो पार्लियामेंट में पास हुआ तो IRDA को फॉर्म किया गया। तो कहते जो IRDA है वो नेशनल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ठीक है, जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बनी है। कहते इट इज़ क्रिएटेड फॉर द सुपरविजन और डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, तो इंश्योरेंस सेक्टर के सुपरविजन और डेवलपमेंट के लिए इसको क्रिएट किया गया ठीक है। कहते जो प्रीमेबल ऑफ IRDA, जो एक IRDA की इंट्रोडक्शन है जो एक्ट में स्टेट की गई है, वो कहा गया है कि टू प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, ये एक एस्टेब्लिश किया गया है जो इंटरेस्ट है पॉलिसी होल्डर के, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज में है, जो होल्डर से इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ठीक है, रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि हाँ जी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हो रही है प्रॉपर ऑर्डरली तरीके से हो रही है या नहीं हो रही ठीक है। कहते जो IRDA एक्ट है वो लेड टू अमेंडमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956 एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 गिबडा एक्ट 1972। कहते जो ये IRDA एक्ट 1999 है वो एक इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 एंड गिबडा एक्ट 1972 की एक लीड है अमेंडमेंट है ठीक है एक तरह से अमेंडमेंट है। और यहाँ पे एक टिप दी गई है जो कहते हैं जी IRDA इज़ अ रेगुलेटर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इट इज़ ए ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड, तो वही बताया गया है प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर के एंड प्रमोट करना ग्रोथ को इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ठीक है। एंड रेगुलेटर मीन्स, रेगुलेटर का मतलब है कहते हैं जी एन अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल के लिए, सुपरविजन के लिए जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हो रही है ठीक है उसके लिए। कंपोजिशन ऑफ IRDA, अभी कंपोजिशन कौन कौन मेंबर होते हैं IRDA के वो इसमें पढ़ेंगे। तो कहते हैं जो अथॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स,
तो जो अथॉरिटी है ठीक है IRDA, तो वो नीचे दिए मेंबर से बनी होती है, कंसिस्ट होती है। तो फर्स्ट होता है, एक तो होता है चेयरपर्सन, दूसरा होता है कि नॉट मोर देन 5 होल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, कम से कम पांच, पांच से नहीं ज़्यादा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होल टाइम मेंबर रहेंगे और 4 उसमें पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। कहते हैं ये जो मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और वो पर्सन होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, या तो नॉलेज होती है या एक्सपीरियंस होता है लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, एक्चुरी साइंस का, फाइनेंशियल फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का, लॉ का, अकाउंटेंसी का, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर डिसिप्लिन विच वुड, ठीक है, इन चीज़ों का किसी का होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ठीक है उनको अपॉइंट करती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शेल वाइल अपॉइंटिंग द चेयरपर्सन एंड द होल टीम होल टाइम मेंबर इंश्योर एटलीस्ट 1 पर्सन ईच इन द पर्सन नॉलेज हैविंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन द लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एक्चुरी साइंस रेस्पेक्टिवली। कहते जो होल टाइम मेंबर हैं और उनका चेयरपर्सन है, उनके उनके मतलब 5 मेंबर हैं और 1 1 पर्सन को, ठीक है, एक तो वो होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस की एक्सपीरियंस या नॉलेज होनी चाहिए, जनरल इंश्योरेंस की, एक्चुअली साइंस की, इन चीज़ों की किसी की, ये कम से कम इनको ये नॉलेज होनी चाहिए उनके मेंबर्स को। टिप दी है यहाँ पे, एक नोट दिया है, कहते जो फुल टाइम मेंबर्स हैं ठीक है, उनमें एक मेंबर रहेगा नॉन लाइफ का, दूसरा मेंबर लाइफ का, मेंबर एक्चुअली का, और मेंबर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का। मीन्स के आप समझ गए ना, फुल टाइम या होल टाइम मेंबर्स तो ये होने ही चाहिए उनके चेयर, इंक्लूडिंग इट्स चेयर पर्सन। जो IRDA है इज सिचुएटेड, कहते हैं हैदराबाद में सिचुएट है, तो उनकी वेबसाइट ये है www.irda.gov.in। और पर्पस ऑफ फॉर्मिंग IRDA को बनाने का पर्पस क्या था IRDA का, ठीक है, कहते वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट और सिक्योर करता है फेयर जो सही ट्रीटमेंट है पॉलिसी होल्डर को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है पॉलिसी होल्डर को। कहते वो ब्रिंग स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ, तेज़ी से और प्रॉपर ग्रोथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की करवाता है, ठीक है, और फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और लॉन्ग टाइम कॉमन मैन को हेल्प करता है, ठीक है, एन्युइटी सुपरविजन पेमेंट्स होता है, बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन एंड लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड कर देता है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, और टू सेट प्रमोट मोनिटर एंड फोर्स, सेटर करता है कुछ रूल्स रेगुलेशन, प्रमोट करता है, मोनिटर करता है और लागू करता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटेग्रिटी, तो ठीक है स्टैंडर्ड इंटेग्रिटी के जो भरोसे योग्यता है उनको करता है, स्टैंडर्ड करता है इंटेग्रिटी के, फाइनेंशियल साउंडनेस के, फेयर डीलिंग हो रही है या नहीं हो रही, स्टैंडर्ड चेक करता है, कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स, और इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जनरल क्लेम्स, और देखता है कि ग्रोथ स्पीडी तेजी से सेटलमेंट हो रही है या नहीं हो रही, टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड, और इंश्योरेंस फ्रॉड को चेक करता है, माल प्रैक्टिस किसी कहीं पे गलत काम तो नहीं हो रहा वो चीज़ चेक करता है, पुट इन द प्लेस इफेक्टिव ग्रीवियंस रीड्रेसल मशीनरीज, और उनको प्रॉपर रीड्रेसल मशीनरी मैकेनिज्म में लेके आता है, और प्रमोट करता है फेयरनेस को, ट्रांसपेरेंसी को, कि प्रॉपर सब कुछ क्लियर है, ठीक है, और ऑर्डरली कंडक्ट हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, और कहते टेक एक्शन वेयर सच स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट और इनफेक्टिवली इन्फोर्स, और उनके खिलाफ एक्शन लेता है जिन के स्टैंडर्ड कम, बहुत कम है, घटिया है और इनफेक्टिवली हैं, बहुत कमी है उसमें उनको जो उन्होंने एनफोर्स्ड किए हैं, ठीक है, और टू इंश्योर द इंश्योरेंस कस्टमर रिसीव प्रिसाइज, कि जो इंश्योरेंस कस्टमर है उनको बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, क्लियर एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले उस प्रोडक्ट के बारे में, उनको सर्विस मिले वो जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और IRDA चेक करता है टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चेक करता है कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, ड्यूटीज़ का, जो इन दिस जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के रिगार्ड में है, ड्यूटीज पावर एंड फंक्शंस ऑफ IRDA सेक्शन 40 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999।
लेज डाउन द ड्यूटीज पावर एंड फंक्शन ऑफ IRDA। तो आगे हम ड्यूटीज पावर एंड फंक्शन पढ़ेंगे IRDA के, जो है सेक्शन 14 के, ठीक है, जो IRDA एक्ट है 1999 के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वही है जो हमने पहले पढ़ा, वो चेक करता है ऑर्डरली ग्रोथ हो रही है, रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, इंश्योर करता है इंश्योरेंस बिजनेस को, और इंश्योरेंस बिजनेस को, री इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं विदाउट प्रिजुडाइज टू जर्नैलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन सब। तो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग पावर एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी शेल इंक्लूड हैं उनके IRDA के। कहते हैं वो एप्लीकेंट को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है, रिन्यू करता है, मॉडिफाई करता है, विड्रॉल करवाता है, ठीक है, सस्पेंड करता है या कैंसिल करता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है इन पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को, ठीक है, नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को चेक करता है, सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम करवाता है, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है, स्पेसिफाई रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, ठीक है, डिस्क्राइब करता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कि कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है इंटरमीडिएट्स और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स एंड एजेंट्स को, स्पेसिफाई ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सर्वेयर एंड लॉस असेसर, की क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सर्वेयर्स के लिए और लॉस असेसर के लिए, प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, एंड लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। कहते कॉलिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन ऑफ कंडक्टिंग एक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ इंश्योरर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के ऑडिट्स, इंटरमीडिएट्स के, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है रेट्स को, ठीक है, एडवांटेज टर्म एंड कंडीशंस को भी, ठीक है, दैट मे ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन द रिस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नॉट सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेट बाय द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी अंडर द सेक्शन 64U ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। स्पेसिफाई करता है फॉर्म्स, मैनर्स, बुक्स जो अकाउंट्स की है भी वो मेंटेन और कैसे करनी है उनको, वो चीज़ रेंडर द इंश्योरेंस एंड अदर इंटरमीडियरीज, रेगुलेट करता है इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेट मेंटेनेंस ऑफ द मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो कोई डिस्प्यूट होता है इंश्योरर या इंटरमीडियरीज के या इंश्योरर इंटरमीडियरीज के बीच, उसको चेक करता है, सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम ऑफ द इंश्योरर एंड फाइनेंस स्कीम ऑफ प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द क्लोज ऑफ, स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकन बाय द इंश्योरर इन द रूरल और सोशल सेक्टर, लास्ट एक्सरसाइजिंग सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, और लास्ट में जो हमारा पॉइंट है रेगुलेशन इशूड बाय IRDA, लिस्ट ऑफ रेगुलेशन मे बी अमेंडमेंट एज फॉलो। तो कुछ रेगुलेशन दिए गए हैं इसलिए आगे, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम एडवाइजरी कमेटी विद द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी मेड द रेगुलेशन, उसने कई वेरियस रेगुलेशन बनाए हैं कहते, और टाइम टू टाइम उनको अमेंडमेंट किया है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। कहते कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो जैसे दी हुई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ को वीडियो पॉज करूँगा थोड़ी देर के लिए, तो आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार कि कौन कौन से हुए हैं रेगुलेशन बने हैं और कब कब अमेंडमेंट हुई है।